KS Academy. So, इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल की. बहुत छोटी सी चीज है लेकिन पता होना चाहिए जिससे आगे का काम हो सके. सो आओ शुरू करें करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल. सो सबसे पहले तो इसको मिटा दे एंड लिख दे करंट डिवीजन रूल. देखो करंट डिवीजन रूल कहता क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है. सो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि लेट सपोज मेरे पास ये करंट सोर्स है जो करंट फॉर्म कर रही है आई. अब जब कोई भी करंट ब्रांचेस में टूटता है सो हमें पता है वो करंट आई वन एंड आई टू में टूटेगा, है ना. दो पार्ट्स में टूटेगा, वो आई तो नहीं रहेगा. जबकि इनमें हमारी वोल्टेज सेम रहती है. जो वोल्टेज इधर होती है वो इधर और वो इधर होती है ना. वोल्टेज डिफर कब करती है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं. सो इस एरिया में वी वन होता है, इस एरिया में वी टू होता है ना. इतना तो पता होगा, 11th 12th तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना. सो आगे चले. सो अब करंट आगे आके डिवाइड हुआ और मेरे को आर वन में करंट निकालना है कि करंट कितना है और आर टू एरिया में निकालना है कि इधर कितना करंट आ रहा है. लेट सपोज मेरे इधर आई वन है करंट और इधर है आई टू. सो आई वन और आई टू की वैल्यू निकालनी है. ये बात तो क्लियर है कि सब में जो वोल्टेज है वो मेरी वी होगी, है ना. यहां वोल्टेज वी होगी, यहां भी वी होगी, यहां भी वी होगी, क्योंकि पैरेलल है, फर्क तो पड़ता नहीं. वोल्टेज डी है, हर जगह इक्वल रहती है ना. सो शुरू करें. सो अगर आई वन की बात करें, आई वन की दैट इज इक्वल टू वी बाय आर वन, है ना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. जबकि आई टू की बात करें दैट इज इक्वल टू वी बाय आर टू. लेकिन भैया V क्या है? V इज इक्वल टू यहां की वोल्टेज कितनी है जो करंट सोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो वोल्टेज कितनी है I से. सो V हमने देखा कि भाई जो V है दैट इज इक्वल टू आई आर, ठीक है. R इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, है ना. सो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा वो निकालना पड़ेगा. R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दोनों पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस R2, अप्लाई कर दो आई, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ये आ गई मेरी V की वैल्यू. ये जो V की वैल्यू है, ये V की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूं एंड इस इक्वेशन में डाल रहा हूं. चेक करोगे तुम्हारा I1 I2 आ जाएगा, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म. सो V की वैल्यू मैं डाल रहा हूं. सो I1 इक्वल्स टू वी, वी की क्या है वैल्यू, आई आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू. अब इसके नीचे एक R1 और था, ये R1 इस R1 से कट गया, ठीक है. सो I1 क्या आ गया मेरा, आई आर टू डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सिमिलरली मैं I2 सॉल्व करूं, सो दैट इज इक्वल टू आई R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. नीचे क्या है R2, है ना, नीचे R2 पहले से था, R2 से R2 कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया, आई R1 R1 प्लस R2, that is your I2. So, मेरे को जो दिखाना था वो मेरे को क्या दिखाना चाह रहा था मैं वो बता दूं. जब मेरे को इस ब्रांच का करंट निकालना होगा तो मैं रेजिस्टेंस इसके पैरेलल वाली ब्रांच की ले रहा हूं आई आर टू, ठीक है. जब मेरे को आर टू का करंट निकालना होगा तो मैं इसकी पैरेलल वाली की रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है. सो करंट में हमेशा रेजिस्टेंस वो नहीं लगेगी जो है, जबकि वो लगेगी जो उसके पैरेलल में, ठीक है. जबकि अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, यही चीज अगर मैं वोल्टेज की बात करता, ऊपर का मिटा देता हूं, सेम वोल्टेज का भी ऐसी करना है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे वोल्टेज का आपको समझ आ जाए. सो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं या ईएमएफ कह लो उसकी बात करूं, सो अगर मेरे को आर वन की वोल्टेज डिविजन के लिए डायग्राम भी चेंज हो जाएगा. डायग्राम क्या बन जाएगा, ये मेरा R1 है, ये R2 है. वोल्टेज कब डिवाइड होती है, जब सीरीज में होती है. सो ये मेरा V1 हो गया, ये हो गया मेरा V2, ठीक है. या मेरी वोल्टेज V जा रही है कुछ, ठीक है. EMF है मेरी V, है ना. सो V इज इक्वल टू V1, V1 इसमें क्या वोल्टेज होगी R1 में, दैट इज V1, दैट इज V R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो इधर जो रेजिस्टेंस है वही लिखोगे, जबकि उसमें दूसरा लिखते थे, R2 लिखते थे, है ना. सिमिलरली अगर V2 की बात करें सो वो हो जाएगा V R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है.
सो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बतानी थी, करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, जिसका हम आगे यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं। सो इसलिए ये चीज मैंने बताई है, आई होप सबके समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।